हमारे पीछे है ना पापा की प्रिया उठ रही है थोड़ी 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 देर उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में आ गए। इतनी ठंडी हवा, हाँ मजा आ गया भाई। सबसे लंबी दीवार ये वाली है। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बादल महल के अंदर, अब बादल महल में हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये चारों तरफ आप देख रहे हो ना, कैमरा मैन फोकस करो इधर, ये जो देख रहे हो ना, ऊपर जाएंगे हम थोड़ा। और यहाँ पे बादल महल नाम से इसकी, आप चलते हैं ऊपर जाके आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। भाई जो कुंभलगढ़ किला है इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ भाई, मुझे जैसे याद आती है मैं वैसे ही बता देता हूँ। इधर ला कैमरा मैन, नजीक लाओ। तो भाई कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर में बनाया गया है। ये जो पहाड़ियाँ हैं गाइस, ये सबसे ऊंची पहाड़ी को चुनकर इस पहाड़ी पर बनाया गया है। तो भाई इस कुंभलगढ़ का किला है ना, इसके एक साइड तो पड़ता है मारवाड़, एक साइड पड़ती है भाई राणा कुंभा था, वो चाहता था भाई मैं मारवाड़ की भी रक्षा करूं और मेवाड़ की भी रक्षा करूं। भाई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आगे की जानकारी देंगे हम टॉप पे। चलो तो हम अंदर जा रहे हैं अभी। यहाँ पर रानी विश्राम करती थी गर्मियों के महीने में। पीछे बनाए गए हैं इसलिए इतना अच्छा है। अब तो ऊपर चलते आ जाओ। ये भी टॉप नहीं है, टॉप इससे भी ऊपर है। अभी यार बीच में रुक जाएगा ये, क्योंकि पहले के ज़माने में जो किले बनाए जाते थे ना, वो जो साले आक्रमण करते हैं ना, उनको कड़ा चुक करने के लिए ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं जो खां से खां निकल जाते हैं। तो आज गाइस हमें ऐसा लगता है, आप जैसे देखो, देखो कैमरा मैन भाई, भाई जो ये खालिस्तान है यहाँ पे हमें हम कल्पना कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो राजा की सेटिंग डांस करती थी राजा ऊपर से फ्लाइंग किस छोड़ता था। आज जैसे आज के ज़माने में हो रहा है भाई, वही होता होगा। अनुमान लगाया तुम्हारा भाई ने। तो गाइस यहाँ पे होती थी राजा की चाय मीटिंग विद वाटर एंड विस्की के साथ। गाइस हम फुल टॉप पे आ चुके हैं अभी। तो गाइस हमारे पीछे है ना पापा की प्रिया उठ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी देर उनको उठ लेने दे। मेरा तो दिमाग खराब है यहाँ के राजा को देख। तो भाई राजा ने इतनी ऊपर महल बना तो दिया, बोल रहा है मेरा दिमाग कैसे चला। इनकी सेवा से लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे हम। बोलो चीज। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बोलो मोमोज। यहाँ से मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का जंक्शन है ये चीज। आप जो ये किला देख रहे हो ना, ये मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का जंक्शन है भाई। इधर देखोगे आप मारवाड़ और उधर देखोगे आप मेवाड़। भाई जो राजा था, अब मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी उनकी, भाई वो दोनों राज्यों को एक साथ लेके चलते थे भाई। और ये है बादल महल। भाई बादल महल क्यों नाम पड़ा आपको पूरी मैंने हिस्ट्री इसकी बता दी गई है। अब भाई यहाँ से देखो भाई, मैं तो घबराता हूँ भाई नीचे देखने से। आप देख सकते हो गाइस, देखो उधर से वो रास्ता आ रहा है, हम उस रास्ते से आए थे। और भाई तो ये देखो गाइस इंडियन कल्चर, भाई देखो आप फोटो फोटो सेशन हो रहा है इधर अंग्रेजों के साथ। वाओ वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे आके हमको ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में आ गए। इतनी ठंडी हवा, हाँ मज़ा आ गया गाइस। ये देखो भाई हम खड़े हुए हैं और इधर देखो ये पहाड़ियाँ भाई, कितनी घमासान है भाई। देखो भाई हम एक जंक्शन पे खड़े हुए हैं। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तो गाइस वीडियो के 5 से 6 पार्ट हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, वीडियो पूरी देखना है। और डायरेक्टर साहब रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहां पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड बने लोग आतू बातें कर रहे हैं। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे हम
महाराणा प्रताप का जन्म कौन सी जगह हुआ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उससे पहले आपको कुआं दिखाते हैं हम। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यहाँ का जो पुरातात्विक है अब उसको बंद कर दिया होगा शायद। ये देखो गाइस, पहले के जमाने का कुआं ऐसा हुआ करता था भाई। ये बंद क्यों? इस कुआं को देखकर कैसा लगा? मेरे को लगा कोई गटर। स्विमिंग पूल हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा। महाराणा प्रताप देखा हुए इसमें, तैरते थे छोटे बचपन में। बचपन में अब दिखाते हैं आपको महाराणा प्रताप का जन्म कौन सी जगह हुआ था। वो चीज कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। पर आपको वो जगह दिखाते हैं हम। आप ये फर्स्ट सीढ़ी है महाराणा प्रताप की, अब ऊपर जाते हैं भाई। भाई यहाँ पे जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। भाई जी तस्वीर रखी हुई है इनकी और यहाँ पे हुआ था भाई जन्म। ये कुछ बाहर का नज़ारा इस प्रकार है, देख लो आप, वो रूम है। तो भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई, ये एक किला है ना, जो वहाँ से जो वो पहाड़ी दिख रही है ना वहाँ से बिल्कुल उसके बराबर है ना, उससे तो ऊँचा तो है भाई, ऊँचा तो बहुत भाई है ना। और उस पहाड़ी पे से अगर कोई आक्रमण करता ना तो इस किले को खूब उड़ा सकता था। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतिहास में अकबर और पागल थे के साले। ठीक कहा है, ठीक कहा। वहाँ पे क्यों नहीं आए? वहाँ पे आके पूरे किले की जब वो जानकारी लेते थे तो वहाँ आके एक बार बैठ के तो सही, देख के तो सही, वहाँ से अगर तोप रख के भी चलाते तो पूरा किला उड़ जाता। अकबर में नहीं था दिमाग दो कोटी का भी। कौन है ये लोग? अकबर में दिमाग होता तो पता कर लेते। इससे अच्छा तो बाहुबली अच्छा है। आऊंगा वापिस आऊंगा। अकबर साला एक बार में गया, अगर सामने से लड़ेगा तो साले को सामने से उड़ा देंगे। और ऊपर से उड़ाएंगे तोप रख के, तोप पहले रख रखी है उन्होंने तो। एक्सक्यूज मी, नमस्ते, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम सर? तो गाइस अब दिखाते हैं आपको एशिया की सबसे लंबी दीवार। भाई सेकंड दीवार है, फर्स्ट तो चीन के अंदर है और एशिया की सेकंड सबसे लंबी दीवार ये वाली है भाई। इस पे 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, आप देख सकते हो। तो गाइज ये थी वो दीवार। गाइज इसका शुरुआत का पॉइंट देख लो आप किले के सामने से, और एंडिंग पॉइंट भी भाई इसके चारों तरफ 32 किलोमीटर में होकर आकर वापस पीछे से इस किले के पीछे आके मिल रही है भाई। इस पे 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। और जो ये दिख रहे हैं ना गाइज आपको, देखो ये वाले, ये 700 पिल्लरों से बनी हुई दीवार है भाई, 700 पिल्लरों से बनी हुई है, ये चारों तरफ पर कोटा है ये। तो गाइज मेरी तो फट गई है भाई, ना तो मामा का कुंड देख रहा हूँ ना शंकर भगवान का, मैं जा रहा हूँ विश्राम स्थल। और ये देखो इसकी भी फट के हाथ में आ गई है। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं भाई, देख लिया क्योंकि वो बहुत दूर है और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लाइफ में फिर आप कमेंट करोगे तो वापस देख लेंगे उस चीज़ को, अगर आपका कमेंट आया तो, नहीं तो वैसे तो क्या दिक्कत है। अब जा रहे हैं भाई। भाई गाड़ी की चाबी कहाँ है? जम गई। हाँ सही बताओ नहीं यार, भाई आप मजाक मत करो, तारी चौबन खा जाऊँगा ऊपर कौन है के तुम्हें रियल में कौन है? अरे कौन भी मामा। ये पागल है ना, गाड़ी की चाबी ऊपर ही छोड़ के आ गया। चलो मेरे साथ चलो, खा पटक दी यार तूने गाड़ी की चाबी, पागल है क्या? सीरियसली मैं महाराणा प्रताप के कमरे में तस्वीर है पीछे। ये देखो गाइस मजाक कर रहा है क्या यार, मजाक थोड़ी कर रहा है, प्रताप की आत्मा घूम ले गाड़ी। सही बताने यार, वही देखिए यार, तो इतनी देर को मन सोचे मजाक कर रहे थे। लो चल अब यार गाइस, भाई साहब दिमाग खराब है यार, मैं क्या करूँ यार गाइस, मेरी सारी जोर कुछ नहीं, मारने का मन कर रहा है एक बार तो इसको, लाते लाते दूं यहाँ से। महाराणा प्रताप की आत्मा भेज ले। तो गाइस चाबी मिल गई है, चाबी लेके आ गया भाई, रास्ते में पड़ी हुई थी। ये पागल ने चाबी को पटक दिया है, चाबी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी तो मर गए हम तो, बिल्कुल थक गए भाई, आधा घंटा तो लग गया आके जाने में। चलो चलते हैं गाइस अब। तो गाइस कुंभलगढ़ का किला हमने देख लिया और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कौन सी जगह भैया? कुंभलगढ़ सर्कल। तो भाई रात हम इसी जगह पर आए थे और इस भाई से मिले थे यहाँ पे, भाई मारवाड़ का है और यहाँ पे दुकान है भाई की, इस सर्किल पे दुकान है भाई की।
भाई ने अच्छी जानकारी दी है यार, हमको जाना है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का ब्लॉग आप नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने का मिलेगा, तो भाई जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ भाई के साथ में। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे कभी बहुत जल्दी। आपका नाम? मुराद खान। तो भाई यहाँ पे दुकान लगाते, कोई आए तो भाई साहब देख सकते हो आप, ये चौराहा है और यहाँ पे भाई की दुकान है। ठीक है ब्रो।